मिशन 2023 नजदीक है, ऐसे में अब राजनेता अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। जहां एक ऐसा ही अंदाज विधानसभा 1 के सुभाष मंडल में आयोजित युवा चौपाल कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का देखने को मिला, जहां उन्होंने युवाओं के साथ पानी पताशे और बर्फ के लड्डू का लुत्फ उठाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का अलग अंदाज, युवाओं के साथ उठाया पानी पताशे का लुत्फ, बर्फ के लड्डू की चुस्की लेते दिखे महापौर। विधानसभा 1 के सुभाष मंडल में युवा चौपाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां ग्रामीण अंचल के तौर पर बरगद के पेड़ के नीचे खाट लगाकर बर्फ के लड्डू की चुस्की और पानी पताशे लुफ्त महापौर पुष्यमित्र भार्गव और युवाओं ने उठाया। इस कार्यक्रम की रचना अमित पालीवाल ने सौगात मिश्रा के नेतृत्व में की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता सुदर्शन गुप्ता, मंडल अध्यक्ष कपिल शर्मा, पार्षद संध्या यादव रहे। सुभाष मंडल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की युवा चौपाल सही अर्थों में और पूरे उसी माहौल में चौपाल के रूप में नवमतदाता और नौजवानों के बीच लगाई गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति देश में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकारों ने युवाओं के लिए किए हुए काम को हमने साझा किया है। और हमको विश्वास है युवाओं में सरकार के काम के प्रति अलग उत्साह है, जोश है, और आने वाले चुनाव में यही युवा निर्णयकारी साबित होंगे। इसलिए मैंने कहा कि सही अर्थों की चौपाल है, पेड़ के नीचे नौजवानों से बात और खाट पे बैठकर बर्फ का लड्डू भी हमको युवा मोर्चा ने खिलाया है, तो अपने आप में अनूठा और बहुत ही अच्छा प्रयास है। मिशन 2023 नजदीक है, ऐसे में अब राजनेता अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। जहां एक ऐसा ही अंदाज विधानसभा 1 के सुभाष मंडल में आयोजित युवा चौपाल कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का देखने को मिला, जहां उन्होंने युवाओं के साथ पानी पताशे और बर्फ के लड्डू का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।